मेरा एग्जाम है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। हमेशा बस एक ही चीज, ज्योति ज्योति ज्योति। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति से मुझे प्यार हो गया? नहीं, वो मुझे पसंद करती है, मैं थोड़ी ना उसे पसंद करता हूँ। लेकिन उसका ख्याल बार बार मेरे मन में क्यों आ रहा है? हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो ही गया, तो क्यों ना एक बार उसको फोन करके पता कर लूँ कि वो मिलने कब आ रही है मुझसे। अगर वो मुझसे मिलने आ जाएगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है और शायद मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम दोनों एक ही फ्लोर में तो रहते हैं और वो थोड़ा नीचे रहती है, मैं ऊपर, पर वो फिर भी मुझसे मिलने नहीं आती। अब ऐसा करता हूँ, उसको कॉल लगा ही लेता हूँ, फिर पता कर लूँगा कि वो मुझसे प्यार करती है नहीं। अरे ये उसका नंबर बिजी क्यों जा रहे हैं? फिर से ट्राई करता हूँ। ओह नो, इसका तो नंबर अभी भी बिजी जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, वो किसी और से तो प्यार नहीं करती? एक बार और ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो ज्योति, ज्योति तुम घर पे ही हो ना? हाँ मैं घर पे ही हूँ। लेकिन तुम्हारा फोन बिजी क्यों जा रहा था? अरे मौसी का लड़के का फोन आया था तो मैं उससे बात कर रही थी। ओह अच्छा, तो तुम अपने मौसी के लड़के से बात कर रही थी? हाँ। मुझे तो कुछ और ही लगा था। पागल हो तुम, कुछ भी सोचते हो। अच्छा सुनो ना। हाँ तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? आती हूँ अभी थोड़ी देर में, मम्मी है, मम्मी नीचे जाएंगी तो मैं आ जाऊँगी। देखो प्लीज इतना टाइम मत लगाओ ना, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो आ रही हूँ ना, 5 मिनट नहीं रुक सकते? 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, मैं 5 सेकंड नहीं रुक सकता। ठीक है मैं आती हूँ। आ जाओ ना। हाँ आ रही हूँ, चलो ठीक है ठीक है, और जल्दी आओ। हाँ हाँ मैं तो कुछ और ही सोच के बैठ गया था, मुझे लगा शायद ये किसी और से प्यार करती है, लेकिन नहीं, ये तो मुझसे ही प्यार करती है। और देखो ना इतना टाइम हो गया फिर भी मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो ये प्यार नहीं और क्या है? ये प्यार है तभी तो मुझसे मिलने आ रही है। खैर जो भी है, आज मैं भी उसको सब कुछ क्लियर कर दूँगा और उससे भी साफ साफ पूछ लूँगा कि वो मुझसे सच में बहुत प्यार करती है या फिर मेरे साथ टाइम पास कर रही है। कब तक आएगी? अरे ज्योति आ गई, तो मैं जानता हूँ, खाना मैंने खा लिया, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि तुम अपने पति के साथ नहीं रहती हो, इसीलिए शायद तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती? नहीं बस वो क्या है कि आजकल की लड़कियाँ जो है ना लड़कों के साथ टाइम पास करती हैं और उसके बाद सब मना कर देती हैं। मैं औरों के जैसी नहीं हूँ, आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ। तो सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? हाँ तुम करते हो? हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, पहले नहीं था लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरी हो, मेरी अपनी हो। शादीशुदा हो तो क्या हुआ, लेकिन तुमने शादी होने के बावजूद मुझे अपनाया, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं अपना सकता? सब यही कहते हैं, सारे लड़के यही कहते हैं, मैं नहीं विश्वास कर सकती शादी के लिए। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं सच में करता हूँ तुमसे बहुत प्यार। बस रहने दो, मेरी भी एक सहेली थी, उससे भी किसी ने कहा था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसने किसी से शादी कर ली, बस हो गया ना, जिंदगी खराब हो गई उसकी। जिंदगी कैसे खराब हो गई जब उसने उससे शादी कर ली? तो उसने उससे शादी नहीं की ना, किसी और से की थी।
और मैंने अगर अपना पति छोड़ दिया और तुमसे शादी करी और तुमने भी छोड़ दिया, फिर क्या होगा मेरा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। रहने दो, मैं नहीं विश्वास करती। कर क्या सकते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ। रहने दो, बस ये सब कहने की बातें। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो आज मैं ये चीज तुम्हें करके दिखा देता हूँ। सब दिखाने वाली बातें हैं, कोई कुछ करता थोड़ी ना है। हाल तो कैसे हो चले। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ करना, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आ सकती तो मैं जी के क्या करूँगा, मेरा मरना ही ठीक रहेगा। अरे भाभी जी आप इधर बैठे हो? हाँ। अरे सारे फ्लोर के लोग तो बाहर चले गए रोड पे। क्या करने? अरे वो सचिन नहीं है, सचिन बगल में जो इधर रहता है। हाँ? वो छत से, यही छत से कूद गया। क्या? हाँ आपको पता नहीं? नहीं। अरे उमर गया है, चलिए देख लीजिए।